हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में जो ग्रेडल करके जो एरर आता है, जो जे यूनिट करके जो एरर आता है, उसे आपको कैसे रिजॉल्व करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ये एंड्रॉइड स्टूडियो में मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें ग्रेडल वाला एरर आ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको फाइल वाले यहाँ पे जाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये सेटिंग वाला विंडो बन के आएगा। इसमें आपको यहाँ पे बिल्ड कॉमा एग्जीक्यूशन कॉमा डिप्लॉयमेंट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे ग्रेडल करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज लोकल ग्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो रेडियो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर में जिस भी जगह पे ग्रेडल को जो है इंस्टॉल किया है, वहाँ पे आपको जाना है उस लोकेशन पे और ग्रेडल वाले फोल्डर को सेलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बता दिया कि ग्रेडल आपको कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करना है और कैसे सेटअप करना है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि मेरे एंड्रॉयड ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो ओके पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि मैंने सी ड्राइव पर जो है ग्रेडल को पहले से ही डाल कर रखा, जो ये देखिए उसका नाम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेडल वाला जो एरर था वो अब खत्म हो चुका है और अब जो एक एरर आया है वो है जे यूनिट वाला एरर। जे यूनिट जो है आपका ये जावा यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम हम लोग अपने ट्यूटोरियल सीरीज में नहीं करने वाले हैं। तो आप हम लोग देखते हैं कि इस को जो है इस एरर को कैसे आपको रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको फाइल पर जाना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाना है। उसके बाद आपके सामने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वाला विंडो आएगा। इसमें मॉड्यूल के नीचे आपको ऐप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डिपेंडेंसी पे क्लिक करना है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है वो लाइब्रेरी फाइल्स जो कि आपके प्रोजेक्ट द्वारा यूज की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं, तो उसमें जो है आप चाहते हैं कि एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो। तो पीडीएफ फाइल को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंटरनेट से कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करना होगा जिसकी मदद से आप पीडीएफ फाइल जनरेट करेंगे। तो ये जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे, जो लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे, इसी चीज को हम लोग डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यहां पर से जो है आपको जे यूनिट करके जो ये डिपेंडेंसी आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसको वहां से डिलीट कर देना है। तो आप इस पर एक बार क्लिक करिए, माइनस वाले बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहां पे एंड्रॉइड टेस्ट कंपाइल करके भी एक डिपेंडेंसी दिखाई देगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है, माइनस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहां पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करके उन लाइब्रेरीज को जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी जो है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही मिलती है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो लाइब्रेरीज मिलती है, अगर आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी डिपेंडेंसी पर क्लिक करिए। आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से एक लिस्ट आएगा, इसमें कुछ लाइब्रेरीज आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ मिलती है जिनको आप क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि प्लस बटन पर क्लिक करिए, जार डिपेंडेंसी पर क्लिक। इंटरनेट से आपने जिस भी फोल्डर के अंदर जो है जार फाइल को लोड किया है, आपको उस लोकेशन पर जाना होगा, जार फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और वो जो लाइब्रेरी होगा वो आपके प्रोजेक्ट में इस तरीके से ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ये सब काम नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, कुछ प्रोसेसिंग होगा और जो जे यूनिट वाला एरर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि अब जो है कोई भी एरर हम लोग के प्रोजेक्ट में नहीं है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जो है सक्सेसफुली अपने ऐप को जो है रन कर सकते हैं। और कैसे रन करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में जितनी बार भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उतनी ही बार आपको ये ग्रेडल वाला सेटिंग और जे यूनिट वाला सेटिंग करना है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ग्रेडल और जो आपने जे यूनिट वाला जो काम किया, ये दरअसल कोई एरर नहीं है। ये कुछ लाइब्रेरीज होती है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलती है, और उन लाइब्रेरीज को मौजूद नहीं होने से क्या होता है, आपके सामने एरर आता है कि आप इन लाइब्रेरीज को जो इंक्लूड करिए। तो हम लोगों ने जो उसे रिमूव ही कर दिया, तो उससे सारा काम ठीक हो गया। तो इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।